मेरबा एंड वेलकम टू इलियान अल करीम इन कॉन्वर्सेशन। हमारी आज की गेस्ट है मेहनाज रहमान, रेसिडेंट डायरेक्टर सिंध औरत फाउंडेशन और ह्यूज वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट। सो मेहनाज आंटी, थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम निकाला। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। थैंक यू, इट्स वेरी नाइस टू हैव यू। रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान में सोशल इश्यूज के बारे में, वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में अवेयरनेस बहुत फैल रही है, बट उसी के साथ हमने ये भी देखा कि जो केसेस आ रहे हैं अब सोशल मीडिया पे, जैसे हम देखते हैं उनकी उनके नंबर भी बढ़ रहे हैं और साथ में वो इंटेंस भी ज्यादा होते जा रहे हैं। सो इस अवेयरनेस में ऐसी क्या कमी रह गई कि इस सिचुएशन को हम सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, अब इसमें एक तो ये है कि केसेस या जो भी है ये पहले भी होते थे, अब जो फर्क आया है सोशल मीडिया का फर्क आया है, क्योंकि अब चीजें फौरन सामने आ जाती हैं। पहले चीजों को दबाना आसान था, चीजों को छुपाना आसान था, तो इतने मतलब हो तो जब भी बहुत कुछ रहा था लेकिन वो उसको दबा दिया जाता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था। तो वो ये जो अब नजर आ रहा है, असल में ठीक है, इजाफा भी हुआ होगा, मैं ये नहीं कहती, लेकिन पहले ये कि इतने जराए नहीं थे, इतने हमारे पास कम्युनिकेशन के जराए नहीं थे कि हर चीज फौरन सामने आ जाए, ये एक चेंज आई है। ठीक है, और हमने देखा कि कुछ टाइम पहले नूर मुकद्दम का केस हुआ था, जो उस पर बहुत मीडिया कवरेज थी, उस पर बहुत आउटरेज था और उस पर बहुत काम किया गया बेटरमेंट के लिए, अवेयरनेस फैलाने के हवाले से। लेकिन अभी हमने रिसेंटली देखा कि उससे बहुत ही सिमिलर केस सारा इनाम का आ गया, तो कोई एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं इस अवेयरनेस का, इस आउटरेज का? अब इसमें जो पीछे जो फैक्टर्स होते हैं ना, उनको देखना और समझना जरूरी होता है। अब ये जो दोनों केसेस हैं ये एलीट क्लास के थे जी, और फिर ये कि जो हमारी मेंटल वेलबींग है उसके बारे में हमारी अवेयरनेस बहुत कम है, और तीसरा जो इशू जिनके खिलाफ हम खड़े होते हैं, यानी पैट्रियार्कल माइंडसेट और एवरीथिंग, तो ये सारे इश्यूज मिलके ये इस तरह के वायलेंस को जन्म देते हैं जी। क्योंकि अगर वैसे ही मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है तो मर्द को तो वैसे ही लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ औरतों के साथ, फिर देन इट्स अ फ्यूडल एंड ट्राइबल माइंडसेट एज वेल, तो वो उससे और मामला खराब होता है। और फिर अगर आप उसमें मेंटल वेलबींग को ले आए और उस अवेयरनेस को ले आए, तो वो तो अवेयरनेस ना होने के बराबर है। तो इन सारी चीजों को हम देखने के बाद वो ये भी होता है कि मुल्जिम जो है वो उसके पीछे छुपना चाहते हैं कि जी हम तो नफ्सियाती बीमार, क्योंकि इस पे हॉलीवुड की कितनी फिल्में बनी हैं कि वो जो है वो खुद को नफ्सियाती जाहिर करके और बच जाते हैं सजा से। एक तो हम इस चीज से बच गए, लेकिन दूसरा हमें ये भी देखना है कि क्या सचमुच मरीज तो नहीं है। ऑफ कोर्स इन सारे पहलुओं को भी हमें जहन में रखना चाहिए। बिल्कुल, एंड आपने एलीट क्लास का मेंशन किया, तो एक और रीसेंट डेवलपमेंट है कि शारुख जतोई का जो केस है उसमें उन्हें रिलीज मिल गई है, तो इस पे आपका क्या व्यू है, आप सिचुएशन को किस तरह से देखती हैं? ये तो मीडिया पे एक उधम मचा हुआ है और हम लोग भी फ्राइडे को एक मुजाहिरा करने जा रहे हैं, हमारे एक एक्टिविस्ट दोस्त है नईम सादिक, उन्होंने कॉल दे दिया है, वी ऑल आर विद हिम, और इंशाल्लाह फ्राइडे को हम प्रेस क्लब के सामने इसके खिलाफ मुजाहिरा भी करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट। वैसे मैं मीडिया की शुक्र गुजार हूँ क्योंकि सारे चैनल्स पे जो इतने अच्छे प्रोग्राम आए, मेरी भी अवेयरनेस में इजाफा हुआ। मैंने सुबह वो देखा डॉन पे जरा हटके, दैट वाज ऑल अबाउट दिस केस, एंड फिर वो जब मैं उसे बंद किया तो एक लाइन आखिरी शाजेब वाली मैंने सुनी जियो की वो भी यही बात हो रही थी, और बहुत इंफॉर्मेटिव था क्योंकि हमारे यहाँ लोग डरते हैं जब मजहब का नाम आ जाता है, मजहब के हवाले से। तो इस केस में भी हमारे एक बहुत सीनियर लॉयर दोस्त हैं, वो कहने लगे आप लोग ये इशू उठाएंगे तो ये तो फिर आपके पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन मैंने कहा भैया आप वो प्रोग्राम देखिए, उनमें वो बता रहे हैं कि जो स्कॉलर्स हैं वो खुद कह रहे हैं कि दिस लॉ द वे इट्स बीइंग प्रैक्टिस्ड इज अगेंस्ट इस्लाम, अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। ये बार बार रिलीजियस स्कॉलर्स कह रहे हैं, थैंक्स टू मीडिया ये अवेयरनेस सामने आ रही है। मुझे तो इतनी खुशी हुई सुबह ये मॉर्निंग शोज देख के, डॉन के और जियो के और दूसरे भी हो रहे होंगे, ज़ारे मैं एक साथ सारे नहीं देख सकती थी। ये इज प्लेइंग अ वेरी पॉजिटिव रोल। बिल्कुल, एंड आई थिंक सोशल मीडिया की वजह से भी इनकी जो वे ऑफ
वे ऑफ एक्सप्रेशन आप कह रहे हैं या द वे जिस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, उसमें बहुत चेंज आया है ना। सोशल इश्यूज पे इतनी जनरली बात नहीं की जाती थी, इतनी यू नो हाई लेवल बात नहीं की जाती थी मेन स्ट्रीम मीडिया पे, लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से क्योंकि उस पर इतना अब इम्पैक्ट एक जनरेट हो जाता है कि मीडिया आउटलेट्स को बात उस पर करनी पड़ती है और उसको भी लाइक एज अ बिग डील दिखाना ही पड़ता है। और उसमें मेरे नंबर भी काउंट करते हैं ना इलियान, जैसे क्योंकि पहले एक सिर्फ पीटीवी होता था, अब इतने ज्यादा चैनल्स हैं तो दे हैव टू कम्पीट विद ईच अदर, दे हैव टू ब्रिंग फोर्थ दीज इश्यूज। तो अब पहले जैसे हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि रेप जैसे इशू पे बात होगी, अब होती है बात। वो मैं समझती हूँ अवेयरनेस रेजिंग के लिए होती है और बिल्कुल जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए होती है, जो की बहुत अच्छी बात है। रिलीजियस इश्यूज पर बात करना या जो रिलीजियस आउटलुक्स होते हैं उस पर कोई कॉमेंट देना बहुत एक रिस्की या एक बहुत टेबू चीज समझी जाती है। और ये हमने आउटरेज रिलीजियस फैक्टर्स से देखा जब ट्रांसजेंडर बिल पास हुआ पाकिस्तान में, तो उस पर इस्लामिक ग्रुप्स का काफी आउटरेज रहा है। तो इस ट्रांसजेंडर बिल के को आप किस तरह से देखती हैं और आप इस बारे में क्या कहेंगी? देखिए जब 2018 में ये नेशनल असेंबली में ये बिल पेश हुआ था तो इट वाज जस्ट अ नॉर्मल बिल, जैसे हर सेक्शन अपने राइट्स का मुतालबा करता है ऐसे ट्रांसजेंडर्स ने भी किया था, तो उस वक्त तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन अब 2022 में जब वो सेनेट में गया है तो रिलीजियस लॉबी ने इसको एक बिल्कुल दूसरा ही रंग दे दिया। हम तो ये बातें पहली दफा सुन रहे हैं क्योंकि 2018 में हमने ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी। दैट वाज जस्ट कि उन्हें पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करने का हक दिया जाए, उन्हें इनहेरिटेंस पर हक दिया, मतलब राइट्स की बातें जो होती वही हो रही थी। लेकिन जो इसको रंग रिलीजियस लॉबी ने दिया ये तो हमने सोचा भी नहीं था। हमें तो इसकी समझ नहीं आ रही कि वो कैसे ये रंग दे रहे हैं, हमें तो ये समझ में आ रहा। और इस तरह के फिर चेंजेस क्यों आते हैं कि लाइक आपका इंटेंशन एक होता है बट जैसे ही एक बड़ी बड़े स्टेज पर गया ऑल ऑफ अ सडन इतना क्रिटिक किया जाता है उसे, इसमें इतने नुक्स निकाले जाते हैं, इसी कोई खास वजह है या आई डोंट रियली अंडरस्टैंड? बस वो हर जो रिलीजियस लॉबी या पॉलिटिकल लॉबी, असल में रिलीजन को भी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना ये, मतलब वो रिलीजन तो सबका है लेकिन अगर आप उसे पॉलिटिकल उस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो जो भी आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, जो आपके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, आप उनको आगे रिलीजियस का वो लेबल लगा देंगे। तो भाई हम तो हमेशा से ये कहते हैं कि देखिए हम पाकिस्तान में मेजॉरिटी मुसलमानों की है और हम अपनी जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उन्हें भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो इसमें अगर अभी एक खास लॉबी कहे कि मैं ही रिलीजियस के ठेकेदार हूँ तो दैट्स रॉन्ग। रिलीजन तो सबका है, कोई एक क्यों ठेकेदार बने? मोनोपोली के हम खिलाफ है, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स। एंड अवेयरनेस की हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आपने कहा कि एक टाइम था जब हम रेप का वर्ड मेंशन भी नहीं करते थे, वो इतना बड़ा टैबू था, लेकिन अब लगता है कि ऑलमोस्ट एक आम बात बन गई है जो कि बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। तो क्या इस डिसेंसिटाइजेशन का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है कि रोज हम सुन रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा है, तो इससे लोगों के माइंडसेट पे या उनके दिमाग पे क्या फर्क पड़ता है? अब ये जो रेप की आपने बात की, ये तो वाकई ऐसे ऐसे केसेस सामने आते बच्चों के साथ, मतलब बच्चों को नहीं छोड़ते, लड़कों को नहीं छोड़ते, इवन जानवरों को नहीं छोड़ते, इवन मुर्दा कब्र में दफन मुर्दा औरत को नहीं छोड़ते, डेड बॉडीज को निकाल के रेप हो रहे। तो ये तो एक बहुत ही बीमार माशरे की और एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड माशरे की एक मतलब अलामत है कि ये हो क्या रहा है। मतलब एक सेहतमंद माशरे में, एक हेल्दी माशरे में जहाँ स्पोर्ट्स हो, लिटरेचर हो, थिएटर हो, आर्ट्स की एक्टिविटीज हो, वहाँ तो ये सब होगा ही नहीं। लेकिन हमारे माशरे को इतना बंद कर दिया गया, ये सारी चीजें क्योंकि खत्म कर दी गई हैं, तो लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि वो कब्रों से डेड बॉडीज को निकाल के तक के रेप कर रहे हैं। तो ये तो इतनी खौफनाक बात है कि हमें कहते हुए भी शर्म आती है, लेकिन कहने पड़ेगी क्योंकि हो रहा है। बिल्कुल। और यही है ना कि इसके पीछे जो माइंडसेट है उसका आई थिंक समझने की जरूरत है कि आप ये इतने रेप केसेस होते हैं उसके बाद वो मर्डर भी कर देते हैं, तो ये वायलेंस का जो माइंडसेट है आई थिंक ये समझने की जरूरत है ताकि इसके बारे में कुछ किया जा सके। और लुकिंग फॉरवर्ड वुमेन्स एम्पावरमेंट के हवाले से कि ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स हमने देखा कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट
नॉर्मल बंदे के दिमाग में एक आई है खवातीन के हवाले से, ठीक है। आई थिंक औरत मार्च वगैरह जो होती है, अब उस पर कॉन्ट्रोवर्सी जितनी भी हो उसका एक इम्पैक्ट जरूर है। वो इम्पैक्ट आई थिंक लोगों में अब आना शुरू हो गया है, कि लोगों को अब समझ में आना शुरू हो गई है कि ये चीजें इम्पोर्टेंट हैं। अब विमेन्स एम्पावरमेंट की जो मूवमेंट है उसके फ्यूचर को किस तरह से देखती है पाकिस्तान? ये तो चीज आगे बढ़ेगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है तो फिर औरतों को तालीम भी दिलवानी होगी, उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करनी होगी, क्योंकि ये बात किसी इंडिविजुअल की नहीं, ये पूरी कंट्री की बात है, ये पूरी सोसाइटी की बात है। अगर हमें अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाना है तो हमें मर्दों के साथ साथ औरतों को भी अपॉर्चुनिटीज देनी होगी, इकोनॉमिक एम्पावर करना होगा। सबसे पहले तो एजुकेशन, देखिए हमारी लिटरेसी लेवल इतना लो है, एजुकेशन इतनी कम है, और फिर एजुकेशन एक्चुअली इतनी ड्रेस्टिक रिफॉर्म्स हमें चाहिए हर शोबे में। हमारे एजुकेशन का शोबा, ये जो डिग्रियां दे रहे हैं इनका कोई फायदा नहीं है, उनके साथ आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहे। लड़के भी फ्रस्ट्रेटेड डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, लड़कियां भी, जैसे बड़े शहरों में कराची में तो यूनिवर्सिटी में लड़कियां ज्यादा हैं। तो बात यह है कि एजुकेशन के साथ साथ सही इकोनॉमिक प्लानिंग हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा की जाए, ताकि जब हमारे बच्चे निकले यूनिवर्सिटियों से या कॉलेजों से तो उनके सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज तो हों, कुछ करने के काबिल तो हों। और डिस्क्रिमिनेशन रिड्यूस करने में खवातीन की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की क्या वैल्यू होती है, कि अगर वो खुद कमा रही हैं, वो खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, तो उससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है रिड्यूसिंग डिस्क्रिमिनेशन में? अब इसके बहुत से पहलू हैं, मतलब इसके काफी लंबी बात हो जाएगी। देखिए जब हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे तो हमें ये बताया गया था कि अगर हम यूनिवर्सिटी से निकल के इकोनॉमिकली एम्पावर हो जाएंगे, जॉब करेंगे, तो हमारा स्टेटस बराबर हो जाएगा, इक्वालिटी मर्दों के बराबर हमें मिल जाएगी। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो हमें पता चला कि इकोनॉमिकली आप बराबर हो भी जाएं तो आपकी सोशल जो कस्टम्स हैं, जो सोशल ट्रेडिशंस हैं, जो पुराने सदियों के रस्म और रिवाज चले आ रहे हैं, फिर ज़ालों के ज़माने में ऐसे कानून भी बन गए कि एक औरत की गवाही, एक मर्द की गवाही दो औरतों के बराबर। अभी भी बैंक अकाउंट खोलना हो तो एक औरत को मर्द का सिग्नेचर चाहिए, चाहे वो उसके दफ्तर का चपरासी ही हो। तो यू नो इस तरह के कॉन्ट्रेडिक्शन जब सोसाइटी में है तो वो तो बहुत ही, मतलब औरतों के लिए तो एक बहुत ही ऑब्स्टेकल है ना। बाहर ये लगता है कि पढ़ी लिखी औरतें कमा रही है, आगे बढ़ रही है, लेकिन उसको ये जो सोशल प्रेशर्स हैं या जो कुछ ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी लॉज अगर अभी तक बाकी हैं तो उनके बारे में देखना, सोचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एंड आई होप कि हम ये इम्प्रूवमेंट देखें, और ये लॉज जो सिर्फ नाम के लॉज हैं, इनकी कोई वैल्यू एज सच हमें लगती नहीं है अब इस टाइम के हिसाब से, तो आई होप उनमें चेंजेस आए। थैंक यू सो मच मेहनाज आंटी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड ऑन दैट नोट, दिस इज इलियान अल गरीब साइनिंग ऑफ।